हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। वीर थैंक यू ही बोल पाया, पर अनन्या ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही बाइक आगे बढ़ा दी और वीर उसे ज्यादा देखता रह गया। थोड़ी ही देर में अनन्या घर पहुँच गई। उसके थोड़ी देर बाद मिताली भी आ गई। मिताली खुश होकर अनन्या को सब कुछ बता रही थी और अनन्या उसे खुश देखकर बहुत ही खुश थी। बातें करते करते दोनों सो गई। वहीं वीर अपने रूम में बेचैनी से करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और अनन्या की फ़ोटो जो उसने स्टोर रूम में खींची थी उसे देखने लगा और बोला, पता नहीं क्यों पर तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे तुम्हें मनाना होगा ताकि तुम ये कंपनी छोड़ कर ना जाओ। ऐसे ही बातें करते करते वीर सो गया। अगले दिन सभी ऑफिस पहुँचे। आज वीर सोच कर आया था कि आज वो उससे माफ़ी मांग कर ही रहेगा। वो अनन्या से बात करने की बार बार कोशिश करता है पर अनन्या बात ही नहीं करती। वो उसे अपने कैबिन में बहाने से बुलाता है पर हर बार वो किसी और को भेज देती है और वीर ऐसे ही रह जाता है। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए पर अनन्या ने उससे बात ही नहीं की। वो बाकी सभी से हंसकर बातें करती पर वीर के सामने चुप हो जाती। वीर उससे माफ़ी मांगना चाहता था पर वो मांग ही नहीं पाया। एक दिन सभी बैठे लंच कर रहे थे कि अचानक से अनन्या का फ़ोन बजने लगा। उसने न्यू नंबर देखा तो उसने कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया और अनन्या ने मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलकर फ़ोन कट कर दिया। मिताली ने उससे पूछा, क्या हुआ अनन्या, किसका फ़ोन था? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और वो बोली, जहाँ इंटरव्यू देकर आई थी उस कंपनी से कॉल थी। सभी के खाते खाते हाथ रुक गए और सभी उसकी तरफ देखने लगे। अनन्या ने सबको अपनी तरफ देखता पाया तो वो बोली, आई एम सिलेक्टेड। उसके बोलते ही वीर ने झट से एक नज़र उसे देखा। उसके दिल में कुछ टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ, उसने आराम से लंच किया और वहाँ से चला गया। अपने कैबिन में परेशान सा बैठ गया और सोचने लगा। फिर खुद से ही कहता है, नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, आई हैव टू डू समथिंग। उसने कुछ सोचा और काका को बुलाकर कुछ समझाया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद लंच करके सभी अपना अपना काम करने आ गए। आज विक्की को किसी मीटिंग में जाना था इसलिए वो मिताली को अपने साथ ले गया। अनन्या अपने काम में लगी हुई थी तभी उसके कैबिन में काका आए। उसने एक नज़र उन्हें देखा फिर उनसे पूछा, क्या हुआ काका? काका परेशान होकर बोलते हैं, बिटिया वीर बेटे ने एक फाइल ढूंढने को बोला है और वो मिल ही नहीं रही। कल कुछ फाइलें स्टोर रूम में रखने को दी थी, मैंने वहाँ रख दी थी पर अब वहाँ भी ढूंढी, मिली नहीं रही। अनन्या कहती है, ओहो काका चलिए मुझे बताइए फाइलें कहाँ रखी थी, मैं ढूंढवाती हूँ। वो काका के साथ स्टोर रूम की तरफ चल दी। वीर ने उसे जाते देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो धीरे से बोला, अब देखता हूँ मिस अनन्या कि आप मुझसे बात कैसे नहीं करती, और वो भी उनके पीछे चल दिया। अनन्या स्टोर रूम के पास पहुँची। स्टोर रूम खुला था। उसने दरवाजे से अंदर अपनी गर्दन घुसाकर इधर उधर घुमाई। जब उसे कुछ नहीं दिखा तो वह धीरे से अंदर घुसी और काका से फाइल का पूछा, काका फाइलें कहाँ रखी थी आपने? काका ने एक तरफ से इशारा कर दिया। अनन्या ने काका से कहा, काका आप ना यहीं गेट पर खड़े रहना, कहीं जाना मत और दरवाजे का भी ध्यान रखना, ये बहुत बदमाश हो गया है, बंद हो जाता है अचानक से। फिर दरवाजे से कहती है, और तुम उस दिन की तरह बंद मत हो जाना, समझे? अनन्या बोलती है और दूसरी साइड चली गई जहाँ काका ने फाइल बताई थी। वहाँ जाकर वो फाइल ढूंढने लगती है तभी वीर वहाँ आया और उसने काका को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और काका सिर हिलाते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वीर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद एक तरफ को हो गया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अनन्या ने झांक कर देखा। दरवाज़ा बंद देखकर वो घबरा गई और जल्दी से उस तरफ आई और दरवाज़ा नॉक करके आवाज़ लगाने लगी पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने अपना फ़ोन निकाला और विक्की का नंबर लगाने लगी पर इससे पहले कि वो नंबर डायल करती किसी ने पीछे से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अचानक हुए इस इंसिडेंट से उसने पलट कर देखा तो सामने वीर खड़ा था। अनन्या ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और उसके हाथ से फ़ोन छीनने लगी। वीर उसका फ़ोन कभी एक हाथ में पकड़ता तो कभी दूसरे में
और अनन्या उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करती रही। फ़ोन लेने की कोशिश करते करते वो वीर के एकदम करीब आ गई। उसका ध्यान अपने फ़ोन पर ही था जो वीर ने ऊपर को किया हुआ था, जबकि उसके पास आने से वीर का दिल ज़ोर से धड़कने लगा और वो उसे एकटक देखने लगा। अनन्या ने जब उसका हाथ एक जगह ही रुके देखा तब उसने ध्यान दिया और खुद को उसके इतने पास देखकर वो हड़बड़ा कर पीछे को हट गई। उसके दूर हटते ही वीर को होश आया, उसने एक नज़र उसे देखा और उसका फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। अनन्या ने अपना फ़ोन जेब में रखते देखा तो मुंह फुलाकर एक साइड से जाने लगी, पर वीर उसके सामने आ गया। वो दूसरी तरफ से जाने लगी, फिर वीर उस तरफ आ गया। अनन्या जहाँ से जाती वीर उसके सामने आ जाता। अनन्या इरिटेट हो गई और एक जगह खड़ी हो गई। वीर ने उसे खड़ा देखा और उससे बोला, मिस अनन्या मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनन्या कहती है, पर मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। वीर फटाक से बोलता है, पर मुझे तो करनी है। उसकी बात सुनकर अनन्या कहती है, क्यों करनी है आपको बात? अभी भी कुछ रह गया है क्या सुनाने को? उस दिन तो बड़ा कह रहे थे। मिस अनन्या जितना ध्यान बात करने में लगाती हो उतना काम में लगाया करो, और वैसे भी मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, आप ही सब इतना बोलते हैं और मुझे झूठा बदनाम करते हैं। आपको पता है कि आपकी वजह से मेरी कीमती आंसू निकल गए। कितने कीमती थे वो आंसू, और आपने उन्हें निकलने पर मजबूर कर दिया। मुझे अब आपसे कोई बात ही नहीं करनी। वीर उससे कहता है, अच्छा सॉरी। तो अनन्या कहती है, नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी, रखो उसे अपनी जेब में और मुझे बात ही नहीं करनी। वीर कहता है, ओके फाइन, अच्छा एक बार मेरी बात सुन लो फिर चले जाना। पर अनन्या ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। वीर ने अब एक गहरी सांस छोड़ी और उससे बोला, आई नो उस दिन मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है और मुझे उस बात का गिल्ट भी है। सॉरी एक छोटा शब्द है मेरी गलती का, पर उस दिन मुझे बहुत गुस्सा था और वो गुस्सा आप पर निकल गया। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी। अनन्या उसे माफ़ी मांगते देख मन में सोचने लगी, अब आया ना भैंसासुर अपनी गुफा में, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। फिर वो उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए कहती है, हो गया आपका या कुछ और भी बाकी है? वीर उसे देखते हुए कहता है, पहले माफ़ करिए फिर बताऊंगा। अनन्या ने उसी तरह कहा, आपका हो गया हो तो ये दरवाज़ा खोलिए मुझे जाना है। वीर ने उससे कहा, पहले माफ़ करो तब ये दरवाज़ा खुलेगा। अनन्या ने अपने दोनों हाथों को बांध कर कहा, और अगर नहीं किया तो? वीर उससे कहता है, अगर नहीं किया तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओके फाइन नहीं करना मुझे आपको माफ, जाओ क्या कर लोगे? वीर ने शरारती मुस्कान लाते हुए अपने कदम उसकी तरफ को बढ़ा दिए। अनन्या पीछे कदम लेते हुए दरवाजे से लग गई और बोली, देखिए ऐसे करोगे तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली। वीर उसके पास आकर कहता है, तो पक्का आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? अनन्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। वीर ने गहरी सांस छोड़ी और फिर बोला, ठीक है फिर मैं आपको इस रूम में बंद करके चला जाता हूँ। अनन्या ने फुल कॉन्फिडेंट से कहा, हाँ तो छोड़ जाइए। एक पल को वीर भी सोच में पड़ गया, फिर वो उसे देख कर कहता है, ओके छोड़ जाऊँगा, पर जाने से पहले कुछ बता दूँ आपको। वो क्या है ना, यहाँ कल ही दो और मोटे मोटे चूहे आए हैं, तो फिर आप यहाँ पर उन चूहों के साथ ही रहना। चूहों का नाम सुनते ही अनन्या को घबराहट होने लगी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो हैरानी से वीर की तरफ देखने लगी तो वीर आगे कहता है, वैसे उस दिन दो चूहे थे ना जो आपको सिपाहियों की तरह लग रहे थे, तो अब तक तो वो दो के चार तो हो ही गए होंगे, और अगर आप इन दोनों को देखोगी ना तो वो दोनों आपको किसी राजा और रानी की तरह ही लगेंगे। वीर बोल रहा था और अनन्या की आंखों के सामने मोटे मोटे चूहे राजा और रानी के गेटअप में आ रहे थे, और साथ में चार चूहे सिपाही की ड्रेस में। जो भी वीर बोल रहा था वो सब अनन्या सोच रही थी। वीर ने एक नज़र अनन्या की तरफ देखा और बोला, फिर आप सामने खड़ी होंगी किसी अपराधी की तरह, और वो आपको सजा देंगे। अब आप सोच लो कि मुझे माफ़ करोगी या फिर यहाँ रहकर चूहों के साथ उनके राजमहल की सैर करोगी। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और फिर सोचने लगी, यार इस बॉम्ब का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता तुझे यहीं छोड़ जाए, और तू तो किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाएगी। फ़ोन भी तो इसके पास है, माफ़ करने में ही भलाई है। अगर ये यहाँ छोड़ गया तब तो ये चूहों का राजमहल तुझे भूतिया राजमहल लगने लगेगा। अनन्या को सोचते हुए देखकर वीर बोलने लगता है, आप यहीं रहना चाहती हैं तो ठीक है मैं चलता हूँ।
फिर आप यहीं रहिए। अनन्या थोड़ा हकलाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। वीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और फिर बोला, आपको नहीं लगता कि इस समय आपको कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए? अनन्या कहती है, हाँ तो क्यों ना रखूं कोई शर्त। एक तो उस दिन आपने सबके सामने मुझे डांटा, वो भी बिना किसी गलती के, उसका क्या? अनन्या ने मुंह बनाते हुए बोला। तो वीर कहता है, अच्छा ठीक है, क्या शर्त है? अनन्या ने उसे देखा और फिर वो बोली, आज के बाद आप कभी भी मुझे डांटेंगे नहीं, अगर गलती होगी तो अकेले में डांटोगे, सबके सामने नहीं, बोलो मंजूर? वीर हंसते हुए कहता है, मंजूर। अनन्या अपना हाथ आगे कर कर कहती है, ऐसे नहीं, वादा कीजिए। वीर ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। एक अलग सा एहसास दोनों को महसूस हुआ। अनन्या ने झट से अपना हाथ खींचा और मन में कहती है, ये तो करंट भी मारते हैं, इसका मतलब मुझे गुस्से के साथ साथ इनकी बॉडी करंट में भी प्रोड्यूस करती है क्या? फिर उससे कहती है, ठीक है, कर दिया माफ़, अब दरवाज़ा खोलिए। वीर ने उसे देखकर पूछा, तो आपने माफ़ कर दिया? अनन्या कहती है, जी कर दिया। वीर फिर कहता है, ठीक है, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो आप ये वादा करिए कि आप ये कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगी। अनन्या ने कुछ सोचा, फिर वो बोलती है, ठीक है, अब दरवाज़ा खोलिए और मेरा फ़ोन वापस करिए। वीर ने दरवाज़ा खोला और उसका फ़ोन वापस कर दिया। दोनों ही रूम से बाहर निकले। वीर उससे कहता है, डैड को बचाने के लिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने जो किया है उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है, इसलिए कभी लाइफ में आपके काम आ सकूं तो बेझिझक बताइएगा। बदले में अनन्या मुस्कुरा दी। तभी वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, सो फ्रेंड्स। अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक नज़र उसके हाथ को देखा और वो फिर कहती है, मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, दोस्ती करने नहीं। वीर उसे देखकर कहता है, इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया? अनन्या मुस्कुराती है और कहती है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहती है, ओके फ्रेंड्स। उसने उसके हाथ में डरते हुए अपना हाथ रखा। फिर से वही एहसास महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया और रूम से थोड़ा सा दूर हटते हुए कहती है, अब आप ये मत सोचना कि मैंने डर की वजह से आपको माफ़ किया, वो तो मैंने आपको सर की वजह से माफ़ कर दिया, और जाइए, माफ़ किया आपको। आप भी क्या याद रखेंगे कि किस दिलदार से पाला पड़ा है आपका। और हाँ, एक बात और, मेरी ज्वाइनिंग अगले साल है, अभी नहीं, अनन्या ने उससे कहा और हंसते हुए जल्दी से भाग गई। और वीर उसे भागता देखता रह गया और खुद से ही बोला, कमाल है ये लड़की भी, माफ़ किया भी तो भी फुल एटीट्यूड में, पागल लड़की। वीर मुस्कुरा दिया और खुद भी लिफ्ट से अपने कैबिन में आ गया। वीर अपने कैबिन में पहुंच जाता है और उसकी नज़र अनन्या के कैबिन की तरफ ढालता है और मुस्कुराता है और अपना काम करने लगता है। आज उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम होने पर सभी अपने अपने घर चले गए। रात को वीर अपने रूम में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अनन्या का चेहरा नजर आ रहा था। जब वो उससे अपना फ़ोन लेने के लिए उसके पास आई थी, उसकी याद आते ही उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे तैसे उसे नींद आ गई। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे और सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो गए थे। वरुण अब अक्सर वीर के ऑफिस आता रहता। उसकी अनन्या से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वीर से भी अनन्या की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वरुण का आना वीर को अच्छा नहीं लगता था, पर वो कुछ बोलता भी नहीं था। वीर का नेचर भी बदल चुका था। अब वो भी अपने स्टाफ से मुस्कुराते हुए बात करता था और स्टाफ भी उससे डरते नहीं थे, पर काम सभी मन लगा कर करते थे। वीर को इंडिया आए हुए 6 महीने हो चुके थे। अब वो वापस लंदन जाने को नहीं बोलता था। राजेश जी को इस बात से बहुत खुशी थी। एक दिन वीर को सुबह ही मीटिंग में जाना था, तो उसने अनन्या को कॉल करके बता दिया और उसे घर से ही पिक करने को कहा। विक्की को जब पता चला तो उसने भी मिताली को घर से पिक करने का कहकर इंतज़ार करने को कहा। मिताली और अनन्या दोनों ही तैयार होकर उनका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो आ जाते हैं और मिताली विक्की की गाड़ी में बैठकर ऑफिस चली गई और अनन्या वीर के साथ मीटिंग में चली गई। मीटिंग 5-स्टार होटल में थी। अनन्या और वीर जब वहाँ पहुँचे तो सामने वाली कंपनी वाले अनन्या को देखकर हैरान हो गए और यही हाल अनन्या का भी था। उन्होंने वीर से हाथ मिलाने के बाद अनन्या को देखकर बोला, अरे मिस अनन्या, आप, नाइस टू मीट यू वंस अगेन।
अनन्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सेम हियर सर। वीर की समझ में नहीं आ रहा था तो उसने उनसे पूछ ही लिया, मिस्टर कपूर आप जानते हैं एक दूसरे को? मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यस, ये इंटरव्यू देने आई थी और इनका इंटरव्यू मैंने खुद लिया था और ये सिलेक्ट भी हो गई थी, पर बाद में इन्होंने मना कर दिया। अब समझ आया कि इन्होंने क्यों मना किया। वीर हैरानी से अनन्या को देखने लगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद अनन्या ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। 2 घंटे की मीटिंग के बाद फिर लंच करते हैं। फिर लंच करने के बाद वीर और अनन्या वहां से वापस अपने ऑफिस के लिए चले गए। रास्ते में वीर ने अनन्या से पूछा, तो तुम कपूर कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी? अनन्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो वीर उससे कहता है, फिर तुमने मना क्यों किया? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और उससे बोली, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था और अनन्या जो वादा करती है उसे निभाती भी है। उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच गए। एक मीटिंग ऑफिस में भी थी और ये दोनों लेट हो गए थे, इसलिए वीर ने चाबी गार्ड को दी और खुद अनन्या के साथ अंदर आ गया। वीर लिफ्ट के पास पहुंचा और अनन्या सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी तो वीर ने उससे कहा, चलो लिफ्ट से चलो, वहाँ सभी वेट कर रहे हैं, जब तक तुम ऊपर आओगी तब तक हम ऊपर पहुँच जाएंगे। अनन्या घबरा गई पर उसने फेस पर नहीं आने दिया। उसने कहा, नहीं नहीं सर, मैं सीढ़ियों से आ रही हूँ। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वीर ने बिना कुछ बोले अनन्या का हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर उसे भी ले लिया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही अनन्या को घबराहट होने लगी और उसे पसीने आने लगे। वीर ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो अपना फ़ोन देख रहा था। अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे अनन्या कांप रही है। उसने जब उसकी तरफ देखा तो वह घबरा गया। ठीक उसी समय लिफ्ट बीच में ही रुक गई। लिफ्ट को रुकते देख अनन्या और डर गई। वीर उसके पास आकर कहता है, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं हूँ ना। वीर बोल रहा था पर अनन्या को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अनन्या की हालत देखकर वीर ने उसे अपने गले से लगा लिया। अनन्या उसके गले लग गई और वो बेहोश हो गई। वीर को जब अपने पर पूरा भार महसूस हुआ तो उसने उसे अलग करके देखा तो पाया कि वो बेहोश हो चुकी थी। उसने उसे उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठी। अचानक से लिफ्ट झटके से चालू हो गई। फ्लोर पर आकर लिफ्ट खुली और वीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। अनन्या को ऐसी हालत में देखकर सभी घबरा गए। विक्की और मिताली भी वहीं थे। जब उन दोनों ने उसे ऐसे देखा तो वो भी घबराकर उनके पास आए। दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही वीर बोल पड़ा, विक्की डॉक्टर को कॉल करो। कैबिन में आकर वीर ने उसे सोफे पर लिटा दिया। विक्की कहता है, डॉक्टर आ रहे हैं। मिताली की आंखों में आंसू आ गए और वो वीर से कहती है, सर क्या हुआ इसे? वीर मिताली से कहता है, पता नहीं, ऑफिस आने से पहले तो ठीक थी, बस लिफ्ट में आते ही ये बेहोश हो गई। क्या? मिताली एकदम से चौंक कर कहती है। उसे इस तरीके से चौंकता देखकर दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। विक्की उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ मिताली, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? मिताली अनन्या के पास आई और उसका हाथ थाम कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अनन्या को देखते हुए कहती है, ये लिफ्ट से डरती है, घुटन महसूस करती है, ये सिर्फ भाई के साथ ही लिफ्ट यूज़ करती है क्योंकि भाई पर इसे विश्वास है कि वो इसे कुछ नहीं होने देंगे, बाकी किसी के साथ भी ये लिफ्ट यूज़ नहीं करती, इसलिए ये हमेशा सीढ़ियों का ही यूज़ करती है। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आज ये लिफ्ट में कैसे चली गई। वीर अनन्या को देखते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इसे ज़बरदस्ती लिफ्ट में लेकर आया था, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। वीर की आंखों में से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गिरे, जिसे देखकर विक्की हैरान हो गया। तभी डॉक्टर आते हैं और अनन्या को चेक करके कहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराहट की वजह से इनका बीपी लो हो गया है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा और होश में आने के बाद इन्हें कॉफ़ी या नींबू पानी दे दीजिएगा ताकि इनका बीपी नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर के जाने के बाद ही मीटिंग थी। विक्की वीर की हालत देखकर खुद मिताली के साथ मीटिंग हॉल में चला गया। उनके जाने के बाद वीर अनन्या के पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी अनन्या, प्लीज़ होश में आओ, तुम ऐसे चुप अच्छी नहीं लगती, पता नहीं पर तुम्हें ऐसे देखकर मुझे लगा कि कुछ कीमती चीज़ मुझसे दूर हो गई, प्लीज़ होश में आओ। काफ़ी देर तक वीर उसका हाथ थामे उसे देखता रहा। अनन्या के शरीर में कुछ हलचल हुई तो वीर ने उसका हाथ छोड़कर दूर को बैठ गया। उसने काका को एक कॉफ़ी लाने को कहा। अनन्या को होश आया तो उसने अपने आप को
कैबिन में पाया। उसने इधर उधर देखा, सामने वीर को देखकर वह एकदम से उठकर बैठ गई। उसने एक नज़र अपने आप को देखा, वीर उसकी हरकतें देख रहा था। अनन्या ने वीर को देखकर कहा, अरे मैं बच गई। वीर चौंक कर उससे कहता है, व्हाट। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या वीर को अपने प्यार का एहसास हो पाएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।